अच्छा जी, हमारा जो फर्स्ट सेट है उसमें है पूरे 8 काउंट। 8 काउंट का हमारा ये पहला सेट है जिसको आप 2 बार करेंगे, ठीक है जी। वो शुरू ऐसे होता है कि आप अपने राइट पैर और राइट एल्बो जो कि कोनी है उससे आप राइट पे स्टेप लेते हैं 1। उसके बाद आप इसी को ही दोबारा रिपीट करते हैं लेकिन दूसरी साइड पे अपने लेफ्ट साइड पे, और टर्न होना है 2। उसके बाद आप अपना लेफ्ट हाथ नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, थोड़ा सा बेंड आता है 3। और फिर आप एक फैन की तरह, पंखे की तरह लेफ्ट में रिवर्स घुमाते 4। उसके बाद आप राइट पे जाएंगे 5 नीचे और 6 ऊपर, जिसमें ये पैर भी ऊपर आता है, और यही चीज़ इधर 7 नीचे और 8 ऊपर। इसको आपने पूरा 2 बार करना है। फिर से एक दफ़ा दिखा देते हैं, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। 5 6 7 8, 1 2 3 and 4, 5 and 6 7 and 8। अच्छा जी, इसके बाद का जो सेट है उसमें पूरे 12 काउंट हैं। तो जो काउंट 1 और 2 है उसमें लड़कियां जो हैं वो फ्रेम बनाती हैं और लड़के उस फ्रेम के अंदर सम हाउ जाते हैं, विच इज़ 1। तो ये जो फ्रेम है इसका लेफ्ट हाथ ऊपर है, राइट हाथ नीचे है, और जो टिप्स है हमारी उंगलियों की जो बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट है वो जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम लड़के जाएंगे अंदर 1 और फिर साइड्स में जाएंगे 2, बदलते हैं अपनी जगह 3 and 4। और इसमें लड़के आ रहे हैं पीछे से और लड़कियां जाती हैं आगे से। एक बार फिर दिखाते हैं, 5 6 7 8, 1 2 3 and 4। अच्छा जी, इसके बाद हमारा जो काउंट आता है वो है 1 2 3 and 4, 5 6 7 and 8। जैसे ही आप अपनी जगह बदलते हैं आप सबके हाथ यहाँ आ जाते हैं लेफ्ट में, राइट हाथ से अपने मुंह पे इस तरह का सर्कल बनाते हैं और उसको थ्रो करते हैं नीचे, बट उसके साथ आपका पैर भी मूव करता है बीट के साथ, जो कि जाएगा 1 and 2 3 and 4। ये आपने 2 बार करना है। उसके बाद आपका स्टेप चेंज होता है, आप आगे जाएंगे राइट फुट से 5 और वापस पीछे 6, फिर दोबारा 7 and 8। एक बार फिर दिखा देते हैं, 5 6 7 8, 1 and 2 3 and 4, 5 6 7 and 8। ये हमारा सेट ख़त्म हुआ 12 काउंट का। जी हमारा जो नेक्स्ट सेट है उसमें पूरे 9 के काउंट हैं। स्टेप चेंज होता है, अब लड़के इधर आ चुके हैं, लड़कियां वहां जा चुकी हैं। जैसे ही आपका ये फाइनल स्टेप ख़त्म होता है वापस अपनी जगह में आने के बाद, उसके बाद आप पहले अपना राइट पैर ऊपर करते हैं 1, थोड़ा सा इस तरफ टर्न होना है, दोनों हाथ ऐसे हो जाएंगे स्ट्रेट नीचे, जो आपका पाम है वो नीचे ज़मीन पे देख रहा है, और हल्की हल्की बीट लेनी है पहले राइट से 1 और फिर लेफ्ट पे लेना है 2। उसके बाद आपने एक जंप लेनी है, एक हल्का सा जंप है 3 and 4, और सीधा पैर आगे चला जाता है। फिर से दिखा देते हैं, जैसे ही आपका फर्स्ट सेट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप लेफ्ट पे टर्न होकर राइट से कर रहे हैं 1, फिर आप कर रहे हैं 2, फिर एक जंप आएगी लेफ्ट राइट 3, और उसके बाद ये सीधा हाथ ऊपर जाएगा बिल्कुल 4। 4 के बाद आपने सिर्फ ये सोचना है थोड़ी देर के लिए कि आपके हाथ में एक बॉल है, उसको आप पहले एक ऊपर ट्विस्ट दे रहे हैं और फिर एक नीचे दे रहे हैं, फिर एक ऊपर ट्विस्ट दे रहे हैं और फिर एक नीचे दे रहे हैं। लेकिन लड़कों के लिए थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, वो फिस्ट बना लें और वो सिर्फ बीट के साथ इस तरह कर लें, ठीक है। लेकिन जो लड़कियां हैं वो थोड़ा सा इस तरह से लें स्टेप को, ठीक है जी। फिर से एक दफ़ा दिखाते हैं फर्स्ट सेट के बाद यहीं से ही, 5 6 7 8, 1 2 3 and 4, 5 6 1 2 3 and 4। अब थोड़ा सा तेज करके दिखाते हैं, 5 6 7 8, 1 2 3 and 4, 1 and 2 3 and 4। हमारा जो नेक्स्ट सेट है उसमें है पूरे 16 काउंट, उसमें भी हम आहिस्ता से ही जाएंगे। तो मैं काउंट में ही बताता हूँ आपको, 5 6 7 8। पहले आपका राइट हाथ जा रहा है इस तरह से क्रॉस में 1 और सीधी टांग बाहर जाती है, और बिल्कुल इसी तरह दूसरी तरफ लेफ्ट से राइट पे 2, फिर आपका एक स्पिन आता है 3 और यहीं से घूम के आता है 4। फिर आप ये सोचें कि आप गियर लगा रहे हैं, और गाने में भी गियर का एक वर्ड आ रहा है, उसको आप 4 बार गियर लगाएंगे और ऊपर की तरफ जाना है 1 2 3 and 4, ठीक है जी। दोबारा एक दफ़ा दिखा देते हैं, 5 6 7 8, 1 2 3 and 4, 5 6 7 and 8। इसके बाद आगे लेके चलता हूँ, आप यहीं से एक वेव ड्रॉ करेंगे अंदर की तरफ 1, फिर बाहर लेके जाएंगे ऊपर 2, फिर सीधे हाथ पे नीचे 3, फिर उल्टे हाथ पे 4। उसके बाद आप अपना एक फ्रेम बनाएंगे इस तरह से, और इसमें स्विच होगा, तो राइट से यूं करना है, फिर लेफ्ट पे स्विच करेंगे, फिर राइट पे करेंगे और फिर लेफ्ट पे करेंगे। फिर से दिखाते हैं यहीं क्रॉस से ही, 5 6 7 8, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, 1
2, 3 and 4। ठीक है जी, हमारे यहाँ पे 16 काउंट्स ख़त्म होते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा कि हमने जो स्टेप आपको अभी बताया है उसमें हम लोग स्विच हो गए हैं, तो अभी स्विच हमने किया ही है तो दोबारा एक और स्विच आएगा जिसका काउंट है 1 and 2। थोड़ा सा स्लो सा है, तो लड़के जा रहे हैं पीछे की साइड से लड़कियों के और लड़कियाँ उनके आगे से जाएंगी। लड़कों ने सिर्फ इतना करना है कि वो राइट साइड पे जाके नीचे बैठ जाते हैं, और लड़कियों का स्टेप भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि वो क्या पॉस्चर लेती हैं वहाँ जाके। तो पहले काउंट में सिर्फ 2 काउंट लेते हैं, 5, 6, 7, 8, 1 and 2। तो इस पोजीशन में लड़के हैं जिसमें हमारा सीधा वाला घुटना ज़मीन पे है, लेफ्ट वाला पैर थोड़ा सा इस तरह से है और पोजीशन लड़कियों की इस तरह से है। तो ये खाली 1 और 2 का काउंट है, उसके बाद 3, 4 में कुछ नहीं है। लड़कों को सिर्फ अपने उल्टे हाथ से लड़कियों को स्पिन करना है और लड़कियों को दोबारा ये पोजीशन लेनी है, दोबारा से वही पॉस्चर आएगा। एक दफ़ा फिर से कर लेते हैं यहाँ से। जैसे हमने ये वाला पार्ट करके यहाँ पे हमने स्विच किया, काउंट आएगा 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 and 4। उस 4 के काउंट के बाद लड़कियाँ जो हैं इस पोजीशन से मेरे काउंट पे करें 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 and 4। ये लड़कियाँ कर रही हैं और लड़के जो कर रहे हैं वो मेरे साथ कर लें, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 and 4। तो बेसिकली आपका हाथ भी मूव कर रहा है, आपका हेड भी मूव कर रहा है और आपकी बॉडी भी मूव कर रही है, और वही चीज़ लड़कियों के साथ भी हो रहा है। अब एक साथ करके भी दिखा देते हैं, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 and 4। जी, इसके बाद जो हम आपको सेट बता रहे हैं शिफ्ट होने के बाद, उसके पूरे 14 काउंट्स हैं, 14 काउंट हैं। ठीक है जी, तो पहला जिसको मैं 14 काउंट को मैं कट कर रहा हूँ पहले 6 काउंट में, आप में सिर्फ एक तरह से सोच लें, या तो डफली कर रहे हैं या तो क्लैप कर रहे हैं, 3 काउंट्स में हैं। पहली क्लैप जाएगी ऊपर 1, दूसरा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ आप उस क्लैप को अपने पास लेकर आ रहे हैं ताली को 2, और थर्ड में आप उसको अपने पीछे फेंक रहे हैं या ड्रॉप कर रहे हैं 3। इसको भी आप 2 बार कर रहे हैं, थोड़ा सा तेज़ करके दिखा देते हैं, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3। जैसे ही आप 2 बार कर लेंगे उसके बाद दोबारा स्विच है, लड़के पीछे से स्विच कर रहे हैं लड़कियों के, लड़कियां आगे से स्विच कर रही हैं और उसका भी काउंट स्लो है, 1 and 2, 3 and 4। तो ये जाएगा इस तरह से 1 and 2। अब इसमें हो ये रहा है कि हाथ यहाँ आ जाएंगे, शोल्डर्स मूव करें खाली 1 and 2, फिर दोबारा स्विच होना है 3 and 4, लेकिन सेकेंड स्विच में इस तरह से मूव हो कि आप दोनों बराबर में आ जाएं दूसरे के किसी तरह से। ठीक है जी, दोबारा दिखा देते हैं यहाँ से तेज़ ज़रा, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 and 2, 3 and 4। इसके बाद जो काउंट है वो भी 4 हैं, आपका उल्टा हाथ यहाँ आ जाएगा। पहले आपने अपने सीधे हाथ से ऊपर एक बीट लिया 1, फिर आपने एक नीचे लिया 2, फिर आपने ऊपर लिया 3 और फिर नीचे लिया 4। तो इसको करते हुए भी ऊपर और नीचे जाना है। ठीक है जी, ये पूरा सेट एक दफ़ा हम दोबारा दिखा देते हैं यहीं से ही, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 and 2, 3 and 4, अप डाउन, अप एंड डाउन। 12 स्विच होने के बाद आपने ये किया है 4 बार, उसके बाद काउंट आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5। तो 1, 2 अलग है, 3, 4, 5 एक साथ है। तो पहला जो 1, 2 है वो आप अपने सीधे हाथ से एक सीधे हाथ की तरफ एक सर्कल बना रहे हैं, ऊपर से 1 पीछे की तरफ जा रहे हैं आधा सर्कल, फिर लेफ्ट से कर रहे हैं 2। जो 3, 4, 5 है उसमें आप आउटवर्ड रोल कर रहे हैं 3, 4, 5 पे नीचे। ठीक है जी, सो बेसिकली आप यहाँ से हम दोबारा कर रहे हैं 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5। 5 के बाद आपने करना है 1, 2, 3 and 4, और इसमें पार्टनर स्विच हो रहे हैं दोबारा एक बार, और लड़के इस बार आगे से जा रहे हैं और लड़कियाँ पीछे से। तो जैसे ही आप लोग इनवर्ट रोल करके नीचे गए, पहले सीधे हाथ जाएगा फिर उल्टा, और है 1, 2, 3 and 4। पैरों में ज़्यादा कुछ इतना हो नहीं रहा है, आप बस ये क्विक स्टेप ही ले रहे हैं और आप वो शिफ्ट करते जा रहे हैं इसी तरह से ही। दोबारा एक दफ़ा दिखा देते हैं यहीं से ही, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 and 4। इसी ही आप स्विच हुए ये करते हुए 4 बार, उसके बाद आप उल्टे साइड पे टर्न हो रहे हैं और सीधे पैर से आपने स्टेप रखना है और हाथों की पोजीशन इस तरह से है, और जो बीट आ रही है वो थोड़ी सी बंगड़ा टाइप की है, उसमें आपने करना है 1 and 2। वही चीज़ आपने अपने राइट साइड पे करनी है, लेकिन जाहिर बात है एक स्टेप आगे जाएगा, लेफ्ट से स्टेप लेना है आगे की तरफ 3 and 4। और फिर यहीं से ही जो नेक्स्ट सेट आ रहा है जिसके 4 काउंट हैं, उसमें आपने हाथों की मूवमेंट पहले देख लें, सिर्फ क्रॉस में इस तरह से हाथ यूं हो रहे हैं, पहले राइट ऊपर है फिर लेफ्ट ऊपर है फिर राइट ऊपर है फिर लेफ्ट ऊपर है, और ये ऊपर जाता जा रहा है।
और इसके साथ आप सीधा पैर आगे करने के बाद उस बीट के साथ साथ अपने इस ठुमके को भी यूज़ करें जो कि आगे की तरफ हिट कर रहा है बीट में, राइट लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट। एक दफ़ा हम आपको पूरा सेट वहाँ से बता देते हैं दोबारा। 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3 and 4, 1 and 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4। जी अब हम पहुंच चुके हैं गाने के बिल्कुल लास्ट सेक्शन में, जिसमें हमारा पहला स्टेप वैसे दोबारा से बिल्कुल वैसे ही रिपीट हो रहा है, जिसका वही काउंट रहेगा 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8। ये वही वाला सेट है जिसमें लड़कियां फ्रेम बनाती हैं, लड़के फ्रेम के अंदर आते हैं। फिर से ही दिखा देते हैं आपको, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8। लेकिन इसमें पहले वाला जो सेट था उसके बाद हमने कुछ स्टेप्स डिफरेंट किए थे, अब हम स्किप करेंगे और उसके बाद हम सेकंड सेट का 4 स्टेप दोबारा ले रहे हैं यहीं से ही, जो कि हमारा जाएगा 1, 2, 3 and 4 और उसके बाद है 5, 6, 7, 8। हमने पहले किए थे 4, लेकिन लास्ट में हम उसको एक और करेंगे, 3 बार है। सो बेसिकली आखिरी वाले में आप 3 कर रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उसके बाद आप लोग शिफ्ट हो रहे हैं दोबारा, लड़के पीछे से लड़कियां आगे से। इसको आप दोबारा रिपीट कर रहे हैं, 1, ये हुआ आपका 2, ये हुआ आपका 3, फिर दोबारा शिफ्ट होगा, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि लड़के आगे से जा रहे हैं, लड़कियां पीछे से जा रही हैं। इसके बाद काउंट हमारा आ रहा है 1, 2, 3, 1, 2, 3। ये भी स्टेप कुछ मिलता जुलता है, ये जो पीछे हमने आपको सिखाया है डफली कहते हैं इसको, आप पहले आगे जाएंगे 1, फिर आपकी डफली आपको टच करेगी और फिर पीछे जाएगी 3, और इसमें आपका हेड मूवमेंट भी है। तो इस तरह है 1, 2, 3, 1, 2, 3 and 1, 2, 3। जैसी लास्ट खत्म होगा उसमें फिर काउंट आ रहा है 1, 2, 3 जल्दी से, तो आपने सिर्फ बीट लेनी है 1, 2, 3। जैसे आपके हाथ में कोई एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं, ठीक है जी। तो डफली से लेते हैं दोबारा, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 and 1, 2, 3। ये तेज़ है 1, 2, 3। एक दफ़ा फिर से कर लेते हैं, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। लास्ट सेट है इसका भी काउंट है 1, 2, 3। तो पहले आपने क्लैप की थी यहाँ, अब आप नीचे कर रहे हैं 1, उसके बाद आप 2 पे थोड़ा सा ऊपर पैर के साथ कर रहे हैं और 3 पे हल्का सा हॉप आएगा। पहले लेफ्ट साइड पे है, दोबारा से कर लेते हैं, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। और ये था हमारा आज की गाने की कोरियोग्राफी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।